सो गाइस वेलकम बैक। मैं बना रही हूँ अचार। अचार बनाने के लिए गाइस मैंने जो सामान लिए हैं वो मैं बता रही हूँ। पहले मैंने लिए है मेथी। आम के अचार में कलौंजी डालते हैं। और मैंने लिया है 4 टीस्पून खड़ा धनिया, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च, 6 से 7 लौंगें ली हैं, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो मोटी वाली ली है मैंने, महीन वाली नहीं ली है। और ये है गाइस राई दाल, इसको राई दाल बोलते हैं या इसको पीली सरसों भी कह सकते हैं, और ये थोड़ी महीन होती है तो ये राई दाल है ये। और मैंने लिया है 4 टीस्पून लिया है मैंने जीरा खड़ा, 4 टीस्पून मैंने लिए राई काली राई। सो गाइस आम का अचार बनाने के लिए जो मैंने कड़वा तेल लिया है वो मैंने 1 कटोरा कड़वा तेल लिया है, और इसको गैस को ऑन किया था। ऑन करने के बाद तो इसको ऑयल को गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर लिया है। 15 मिनट हो चुके हैं समथिंग, ये ठंडा हो चुका है। और जब ये बर्तन आप जिसमें आपने ऑयल गर्म किया है वो आपको इस तरीके से छूकर देखना है कि ये ठंडा हो गया है नहीं। अगर ये बर्तन आपका गर्म है तो आप कह सकते हैं कि ये ऑयल भी हल्का सा गर्म होगा। तो ऑयल को बिल्कुल गर्म नहीं रखना है अचार बनाने के लिए। प्रोसेस ये है, अगर आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म रखा तो आपका अचार परफेक्ट नहीं बनेगा और आपका अचार भी आम का ख़राब हो जाएगा। तो गाइस देर ना करते हुए फटाफट बनाते हैं आम का अचार, और उंगली डालकर भी देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इस तरीके से परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो बनाते हैं गाइस आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए ऑयल तो गर्म कर लिया है, इसको हटा देंगे। अब रखेंगे गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे नॉनस्टिक तवा। गैस को ऑन करेंगे, सबसे पहले गैस को ऑन करके मैंने लिया है गाइस सौंफ, 15 से 20 ग्राम सौंफ ली है मैंने, 20 ग्राम से ज़्यादा है। अब ये ऑयल तवा गर्म हो चुका है, अब इस पर डाल देंगे सौंफ। सौंफ के बगैर गाइस अचार बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। तो सौंफ मैंने अभी दिखाई है आपको, पहले मैंने सौंफ नहीं दिखाई थी। अब सौंफ को क्या करेंगे, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, इसको जलाना नहीं है, गैस को लो फ्लेम पर कर देना है और सौंफ को हल्का सा गर्म कर लेंगे। आपका अचार गाइस सालों साल ख़राब नहीं होगा। इस प्रोसेस से अगर आप आम का अचार बनाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। कम्युनिटी ऑप्शन है गाइस, मेरा एक चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, वो आप नोटिफिकेशन मैंने दी है कम्युनिटी ऑप्शन में दूसरे चैनल की, उसको आप भी अगर आप देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और सौंफ को मैंने गर्म कर लिया है। तो इसको ग्राइंडर में डालकर इसको ठंडा करने के बाद ही पीसिएगा, नहीं तो ये सौंफ बेकार हो जाएगी। तो अब तो इसको ठंडे करने के लिए पंखे की हवा के नीचे रख देंगे। सौंफ ये परफेक्ट भुन चुकी है, छूकर देखेंगे एक गर्म है। सौंफ को एक थाली में निकाल लेंगे, तरीके से सुबह इस सौंफ को पंखे के नीचे रख दे रही हूँ, इसको कर लेंगे ठंडा। इसी तवे पर डाल देंगे गाइस जीरा, जीरा को भी इसको हल्का हल्का गर्म करेंगे जबकि इसकी नमी जो होती है गाइस मसाले की नमी निकल जाएगी, और ये नमी निकालनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नमी नहीं निकलेगी तो अचार बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा और अचार आपका ख़राब हो जाएगा। इस प्रोसेस से बनाएंगे तो दादी नानी का अचार बन के तैयार हो जाएगा। इसी प्रोसेस से दादी नानी भी बनाया करती थी, उन्हीं से मैंने सीखा है गाइस। जीरा भी भुन चुका है, जीरे को भी निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो गाइस जीरे को भी भून लिया है, इसको भी पीस लेंगे। मेथी राई काली राई काली मिर्च लौंग एक साथ डाल देंगे और इसको एक साथ इसको भून लेंगे।
है, इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर कर दिया मैंने। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। एक थाली लेंगे और इसमें निकाल लेंगे काली मिर्च, मेथी, लौंग, इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब डालेंगे गैस इसमें धनिया पाउ, खड़ा धनिया, इसको भी भून लेंगे। राई के साथ गैस मैंने धनिया को नहीं भुना था, अगर राई के साथ भुनेंगे तो राई तो बहुत ही जल्दी भुन जाती है, धनिया थोड़ी टाइम लेती है भुनने में, तो धनिया को अलग ही भुनिएगा। और ध्यान रहे मिक्सी में गैस इसको बहुत ही ज़्यादा महीन नहीं करना है, अचार का मसाला थोड़ा मोटा ही रखना है। तो धनिया भी परफेक्ट भुन चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। इसको उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें मैंने राई और काली मिर्च निकाला था। अब इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को गैस मिक्सी में नहीं पीसना है, कलौंजी अगर पीसते हैं तो कलौंजी से अचार जो है कड़वा जाएगा अगर आप पीस लेंगे तो गैस इसको कलौंजी और राई दाल इन दोनों को मिक्सी में नहीं पीसना है। तो राई दाल और कलौंजी को अलग निकाल लेंगे, इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, इसको खड़ा ऐसा ही डालना है। गैस को ऑफ कर देंगे। ये अच्छे से भून चुका है और ये लाल मिर्च जो है इसको भी नहीं भूननी है और ना ही ये टर्मरिक पाउडर और ना ही हींग, इसको ऐसा ही रख देंगे अचार में। इसको अगर भूनेंगे तो भाई गाइस क्या होगा, पूरे घर में मिर्च का धासा लगेगा। तो इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसको भी एक थाली में निकाल लेंगे और इसको रख देंगे अलग, ठंडा कर लेंगे। और इसको गैस मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, कलौंजी और राई दाल। चलिए इसको तो अलग हटा दे रहे हैं, अब बनाएंगे अचार। सो गाइस अब लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी जार में जो मैंने अभी बताया था, सबसे पहले जीरा भून लेंगे, जीरा को पीस लेंगे। सॉरी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसमें मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद धनिया, खड़ा धनिया, राई, काली मिर्च, लौंग और काली राई, इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिलते हैं गाइस मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद। तो गाइस मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है मैंने मसाले, इस तरीके से थोड़ा मोटा ही ग्राइंड किया है। ये काली मिर्च धनिया वाला है, ये लौंग और ये है सौंफ, ये है भुना हुआ जीरा, ये है राई दाल और कलौंजी। अचार बनाने के लिए गाइस एक बड़ी सी परात ले लेंगे, बड़े साइज का। इसमें डालेंगे ऑयल, एक कटोरा जो मैंने गरम किया था, अब ये ठंडा हो चुका है। जो गैस अमिया में जो रसा निकलता है पानी, तो वो गैस आप देख सकते हैं इस तरीके से, वो भी इसमें मिला देंगे। इसका खट्टा जो पानी होता है इसको फेंकना नहीं है। अगर ये पानी फेंक देंगे तो अचार परफेक्ट नहीं बनेगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसमें गैस नमक ऑलरेडी पहले से है और इसमें टर्मरिक पाउडर जो मैंने डाला था वो भी इसमें मिक्स है। तो गैस इस पानी जो भिगोते हैं अमिया को वो फेंकनी नहीं है आम को। अब जो मैंने सौंफ ली है पिसी हुई, तो इसमें सबसे पहले डालेंगे सौंफ पाउडर। तीन बड़े चम्मच मैंने सौंफ के डाल दिए हैं, 3.5 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर, ये समथिंग 15 ग्राम लाल मिर्च, खड़ी मिर्च है ये, इसको भी डाल देंगे। 4 किलो अमिया में इतना आप डाल सकते हैं सामान जो मैं बता रही हूँ, 15 ग्राम मिर्च खड़ी। टर्मरिक पाउडर ऑलरेडी पहले से था, थोड़ा सा और डालना है, 1 टीस्पून बड़ा। और इसमें डालेंगे हींग, हींग से गाइस टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये रहा, अब इसमें डालेंगे गाइस जो मैंने काली मिर्च, धनिया और लौंग पीसी थी,
को भी इसमें ऐड कर देंगे। ये भी 3 टीस्पून में डाल रही हूँ, बड़ा चम्मच। भुना हुआ जीरा, इसको भी मैंने मोटा पीसा है, 1 टीस्पून। अब इसमें गाइस डालेंगे कलौंजी और राई दाल, इसको खड़ी डाल देनी है। नमक गाइस पहले ही डाल चुकी थी, अब इसमें और ऐड कर देंगे 2 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक। इन सबको गाइस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और जो गाइस मैंने अब यहाँ आप देख सकते हैं आम जो है इस तरीके से कितने सूख चुके हैं, तो इसको मैंने 2 घंटे सुखाया है। और 2 घंटे सुखाने के बाद इस तरीके से आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसमें डाल देंगे धीरे धीरे कर कर। इस तरीके से अमिया गाइस बहुत ज़्यादा है, 4 किलो अमिया है। पहले मसाले में मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, आधी अभी मैंने आधी इसमें डाली है अमिया, तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आम का अचार परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। और जो अमिया जो और है तो इसको कनिस्टर में पहले डाल देंगे, बाद में इसी मसाले में दूसरी अमिया मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। तो इसको पहले कनिस्टर में डालने के बाद ऐसे जो अमिया ये बची हुई है तो ये भी इसी मसाले में ही मिक्स हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे एक कंटेनर, इस तरीके से चलाएंगे। कांच का गाइस कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर को बिल्कुल अच्छे से धूप में सुखा लेना है, बिल्कुल भी पानी ना रहे इसमें कंटेनर में। तो इस कंटेनर में अचार डाल देंगे इस तरीके से। सबसे पहले कंटेनर में डालेंगे, सबसे पहले कंटेनर में हींग डाल देंगे। हींग डालने से क्या रहता है गाइस, अचार खराब नहीं होगा आपका। चाहे तो आप इसमें धुआं भी दिखा सकते हैं गाइस, मैंने ऑलरेडी इसको धूप में 2 दिन में सुखा लिया है। इसको कंटेनर को अच्छे से जो जम्स वगैरह होते हैं वो सब अच्छे से साफ हो जाते हैं, पानी की एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए। अगर पानी होगा तो इसमें अचार आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। तो गाइस कंटेनर को ले लिया है, अब जो अचार है इस तरीके से इसमें रख लेंगे। और ध्यान रहे गाइस हाथ से नहीं बनाना है, हाथ अगर लगाएंगे तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। और हाथ से अचार गाइस बहुत जल्दी ख़राब होता है, और इसको 2 से 3 घंटे तक इसमें धूप लगा लेंगे, धूप लगाने से अचार ख़राब नहीं होगा। तो मिलते हैं गाइस कंटेनर में रखने के बाद। इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे और कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में डालने के बाद गाइस जो आप देख सकते हैं जो मैंने दूसरी अमिया ली है, इस तरीके से गाइस कंटेनर में मैंने डाल दिया है अचार। तो ये परफेक्ट अचार बन गया है आम का, और इसको थोड़ा सा कम ही रखा है क्योंकि ज़्यादा अगर रखें तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हवा एयर आनी चाहिए, तो बिगर एयर के अचार अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस आपको देख सकते हैं कैसा लग रहा है अचार। अब ये मसाला जो बचा हुआ है इसमें जो मैंने अमिया ली थी समथिंग, मैंने 4 किलो आम का अचार बना रही हूँ मैं, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कंटेनर में गाइस थोड़ा सा रखा है और बाकी मैं खुला रखूंगी, जिसमें मैंने आम की अमिया भिगोई हुई थी और उसी में रखूंगी। इसमें कंटेनर में 2 से 3 दिन बाद ही रखना है, जब आम अच्छे से उठने लगेगा पक जाएगा तब, 3 दिन बाद ही कंटेनर में रखूंगी। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से गाइस बन चुका है आम का परफेक्ट अचार। और आपको आम की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
तो ये रहा आम का परफेक्ट अचार। रसले में बनाने के बाद इसको गाइस इसी तरीके से अभी ढक देंगे, बाद में इसको डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सब तरीके से मसाला मिक्स हो जाए। तो ये परफेक्ट अचार बनके तैयार हो गया है। इस प्रोसेस से गाइस आप अचार बनाएंगे तो आपका सालों साल खराब नहीं होगा। और इसको अभी परात में रखा है, अभी बाद में उसमें रखेंगे जिस डिब्बे में मैंने नमक और हल्दी लगा कर रखा था, और 3 दिन बाद ही इसको कंटेनर में रखूँगी। और ये थोड़ा सा अचार मैंने कंटेनर में रख दिया है गाइस, इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आम का अचार बनके तैयार हो गया है, और इस तरीके से अचार बनाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा लग रहा है, और ना ही ज़्यादा मैंने ज़्यादा मसाला डाला है, ना ही ज़्यादा कम डाला है। और इस तरीके से ज़्यादा मसाला बच्चों को भी गाइस ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा मसाला निकाल खाते हैं, ना ही ज़्यादा ठीक है परफेक्ट। एक अचार मैं निकाल कर दिखा रही हूँ, ये रहा आम का अचार चटपटा मसालेदार। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं और आपका ख़राब भी नहीं होगा आम का अचार, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है बहुत ही। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अम्मियाँ इसकी कितनी कर रही है, और इसी तरीके से टाइट रहेगी ये और घुलेगी नहीं। तो गाइस आपको आम की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से आम का अचार आप परफेक्ट बना सकते हैं, सालों साल रखे खाइएगा। चाहे तो अचार पूरी से खाइएगा या दाल चावल से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बच्चों के लंच में रखिएगा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है आम का चटपटा मसालेदार अचार। इसको 4 घंटे के लिए रख देंगे धूप में। कम्युनिटी ऑप्शन में नया मेरा चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाकर मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सुखाज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो वाला ये वाला जो अचार है गाइस, इसको इसको इस बाल्टी में डाल देंगे, जो मैंने अचार बनाया था वो इसमें इस बाल्टी में डाल देंगे इस तरीके से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अचार अच्छे से मिक्स हो रहा है, और तरीके से गैस मैंने समथिंग 4 किलो अमिया का बनाया है अचार। तो ये रहा कंटेनर में अचार, जो मैं इसी तरीके से रखे रहूँगी। और इसको कपड़े से ढक देना है, कोई जाली वाला कपड़ा हो या दुपट्टा हो, इस तरीके से ढक देंगे ताकि खुला नहीं रखना है, और इसको ढक्कन नहीं रखना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा गैस, इसमें एयर जानी चाहिए, एयर नहीं जाएगी तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। ये गैस मैंने डिब्बे में कर दिया है अचार, जो मैंने तसले में मिक्स करके बनाया था, और वो इस तरीके से डिब्बे में रख दिया है। और इसको ये कपड़े से ढक के रखेंगे, और आप देख सकते हैं कि मसाला इसका कितना स्वादिष्ट लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से गाइस परफेक्ट अचार बनके तैयार हो गया है। और आपको गाइस अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये अचार आपका सालों साल चलेगा और ख़राब नहीं होगा। अचार बनके परफेक्ट तैयार हो गया है, और इस चम्मच को निकाल देंगे। चम्मच इसमें नहीं छोड़िएगा, चम्मच छोड़ेंगे तो अचार के साथ चम्मच भी पड़ जाएगी अचार में, और अचार आपका हो जाएगा खराब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। खाइएगा आम का अचार चटपटा मसालेदार। जय श्री कृष्णा। तो ये गाइस समथिंग 4 किलो अमिया का अचार है, ये कंटेनर का है अचार, और ये डिब्बे में। Thank you.